उद्योग बंधु समिति की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गीडा क्षेत्र में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के लिए सीईओ गीडा को निर्देशित किया। बैठक में मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि जनपद में ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाना है जिससे उद्योग स्थापना में प्राइवेट निवेश में वृद्धि हो। बैठक में कालेसर जीरो पॉइंट पर लगने वाले जाम के समाधान हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात को सुचारू व्यवस्था स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा गोरखपुर शहर के अंदर बड़े वाहनों के आवागमन हेतु समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ODOP वित्त पोषण योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार समय से ऋण स्वीकृत किए जाने के निर्देश बैंक को दिए गए तथा इस संबंध में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। निवेश मित्र पोर्टल पर कृषि विभाग के लंबित प्रकरणों को संयुक्त निदेशक कृषि को लिखित रूप से अवगत कराते हुए 15 दिनों के अंदर निस्तारण कराकर अवगत कराने हेतु निर्देश संयुक्त आयुक्त उद्योग को दिए गए। गीडा सेक्टर 13 एवं 15 को जोड़ने के लिए उद्यमियों द्वारा सड़क निर्माण की मांग पर मंडलायुक्त द्वारा सीईओ गीडा को सर्वे कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित IG गोरखपुर रेंज राजेश डी मोदक द्वारा गीडा परिक्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति प्रत्येक माह पुलिस एवं उद्यमियों की बैठक आयोजित कराए जाने हेतु आश्वासन दिया जिससे उद्यमियों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समयबद्ध रूप से निराकरण हो सकेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, पुलिस अधीक्षक यातायात, संयुक्त आयुक्त उद्योग GM DIC सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी व उद्यमी बंधु मौजूद रहे। यहाँ से NMCG को भेजा गया था सर, NMCG ने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए ID 40 को सर मार्क किया था फोर्थ ऑफ को, तो सर अभी उनसे सर भेज देंगे मूल्यांकन रिपोर्ट, काफी मैच्योरिटी स्टेज पे सर फाइनल जल्दी हो जाएगा। इसमें बेसिकली अप्रूवल मिल जाएगा हमको NMCG से, तो अप्रूवल मिल जाएगा तो उसमें तीन पार्ट हैं सर पढ़ने के, लगभग 20 करोड़ NMCG से मिलना है, इतना ही स्टेट गवर्नमेंट से है और 70 जो बचेगा सर, लगभग 60 करोड़ का है प्रोजेक्ट बचेगा वो गीडा देगी सर, तो एक बार सैंक्शन मिल जाएगा वहाँ से तो फिर हम लोग टेंडर वगैरह इन्वाइट करके और फिर वो मंगाया जाएगा। देखिए इसमें जो है हम लोग करीब 1.5-2 साल से इसकी बात कर रहे हैं, ये 2 साल से इसकी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है और ये हमारे ही इस संकल्प को कि हमें अच्छा इको सिस्टम देना है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ के आई है। नमामि गंगे के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने कमिट किया कि हम भी पैसा दे देंगे, तो फाइनेंशियल उतना प्रॉब्लम अब नहीं रह गया है। मुझे लगता है इसमें अब आपने ज्वाइन किया है इसमें इमीजिएटली IIT रुड़की में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसको देख रहा है उसके जो भी से वार्ता करते हुए इसको इसी महीने लाने का प्रयास करिए नेक्स्ट 15 दिन में, क्योंकि यदि उनको थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तब तक फॉलो अप नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा और इसकी थर्ड पार्टी रिलेशन की बात है तो नमामि गंगे को कमिट करके हमें प्रयास करना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी कंसर्न मिनिस्ट्री को एक पत्र चला जाए या मुख्य सचिव साहब से सचिव कंसर्न सचिव को भी पत्र चला जाए जिससे कि इसमें तीव्रता है और ये समय सही समय होता है। इस समय मिनिस्ट्रीज अपना बजट प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर पर कर रही हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि CPP पर गीडा को एक अपनी टाइमलाइन बनानी चाहिए और उच्चतम स्तर में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के उच्चतम स्तर से पत्र केंद्रीय मंत्री और मुख्य सचिव महोदय से सचिव भारत सरकार को भी जाना चाहिए और इसमें तो IDC महोदय का चार्ज जो है वो IDC का चार्ज भी मुख्य सचिव महोदय के पास है, इसको थोड़ा सा पवन माफ करना पड़ेगा सर, इनकी जो भी आपको मदद चाहिए उन्होंने लीजिए पर थोड़ा सा कराना होगा सर। तो बेसिकली आपका थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट लेके जो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है उसको आपको नमामि गंगे को देना उच्चतम स्तर से, उसके बाद कार्यदायी संस्था की वही रहेगी जल निगम की,
जल निगम कार्यदायी संस्था हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए इसको मुझे लगता है जीडा को खुद एग्जीक्यूट कराना चाहिए। जल निगम के भी काफी इश्यूज हैं, जल निगम से हैं, जल निगम शायद नहीं होंगे इसमें ना बीच में सर, थोड़ा सा इंटर जल निगम को करना होगा तो हम एमपी जल निगम साहब से भी बात कर लेंगे। जल निगम को भी बुलाया करिए सर, सी के भी आप डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको आई टी रूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वित्तीय वर्ष में ये मीडिया में काम शुरू हो जाए केंद्र के साथ, उसके लिए जो बैक एंड पर आपको प्रयास करने हैं उसको कर देना चाहिए। जो गीडा को एक टाउनशिप डेवलप करनी है वो भी आपको लाना चाहिए, हमें शायद डिस्कस करना चाहिए। हालांकि उसमें सिर्फ उद्योगों की चीज़ नहीं है, लेकिन लगे हम उसको भी डिस्कस कर लेना ना, स्टेट होल्डर से ये भी एक है पवन। उसमें मेरा जो आपसे बात हो चुकी है ऑलरेडी, उसमें कालेश्वर को हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए थे, उसके क्रम में संदीप से मेरी बात हुई और हम लोग ने प्लान ड्राफ्ट प्लान डेवलप किया था। मेरा सजेशन रहेगा कि हम एक वीक में उसको आप पहले समझ लें कहाँ पर उसमें क्या, उसमें हम लोग ने कलरिंग कर दी थी ये रेजिडेंशियल होगा ये कॉमर्शियल होगा। प्रयास ये रहना चाहिए कि जैसे आधुनिक सिटीज़ में हो रहा है कि अब हम अपने कॉमर्शियल एरिया को थोड़ा आउटसाइड ले जाएँ, सारा ट्रैफिक यहाँ रहता है। कालेश्वर एक आगे 10-15-20 साल में बहुत अच्छा एरिया डेवलप किया जा सकता है कॉमर्शियल, वो एक पॉइंट ऐसा है जिस पर यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा, स्पेशली जब महेश्वरा में हम ISBT लाएंगे और यहाँ पर ISBT नया आएंगे तो एक बहुत पॉपुलेशन वहाँ पर रहेगी। उस पॉइंट को डेवलप करने का एक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अभी तो उसका एक ड्राफ्ट रेडी कर लें, और अभी सत्र 4 तारीख को आने की संभावना है, एक बार मुझे दिखा के और फिर 4 तारीख को सीएम साहब के सामने हम लोग उनका मार्गदर्शन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा।